जगे अदानी 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 अदानी। देश के बड़े और अमीर बिजनेसमैन की सूची में रहने वाले गौतम अडानी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बाजार से लेकर राजनीति तक हलचल पैदा हो गई है। सरकार अडानी मुद्दे पर डरी हुई है, ये कहने वाले राहुल गांधी अडानी को लेकर सड़क से संसद तक सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तमाम आरोप लगाते हुए राहुल गांधी संसद में पोस्टर लहराकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है। लेकिन अब इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बाहर जरूर इस मुद्दे पर बात की है। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा है, अडानी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट इसे देख रही है, इसलिए एक मंत्री पद पर होते हुए मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें बीजेपी के लिए छिपाने या डरने जैसा कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग अडानी विवाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ पक्षपात और क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया है। संसद के बजट सत्र के दौरान संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे को उठाया गया। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने अडानी के ऊपर बोलने के अलावा पीएफआई पर भी बात कही। उन्होंने पीएफआई पर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि पीएफआई कैडर पर कई मामले थे, उन्हें खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन किया। पीएफआई देश में धर्मता और कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन था, एक तरह से आतंकवादी तैयार करने का काम वो लोग कर रहे थे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।